राजस्थान का भूगोल इस विषय के भाग 11 तक का अध्ययन हम कर चुके हैं। भाग 11 के अंतर्गत हमने अध्ययन किया राजस्थान के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्यों के विषय में। यदि आपने इस भाग को नहीं देखा है तो इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाकर आप इस भाग को देख सकते हैं। आज भाग 12 के अंतर्गत हम अध्ययन करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु राजस्थान में कृषि फसलों के विषय में। ध्यान देना, यदि आप संपूर्ण तैयारी नियमित रूप से करना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप ना करें, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। व्याख्याता परीक्षा भूगोल के अंतर्गत जो विषय वाइज विभाजन किया गया है उसके अंतर्गत ये 9 बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनका अध्ययन हमें करना आवश्यक है। इनमें सबसे पहला है राजस्थान की अवस्थिति विस्तार आकृति। नंबर 2 पर आता है राजस्थान की भौतिक विशेषताएँ। नंबर 3 पर है राजस्थान की जलवायु। नंबर 4 राजस्थान की कृषि। नंबर 5 राजस्थान की खान और खनिज संपदाएं। नंबर 6 पर है राजस्थान में ऊर्जा संसाधन। नंबर 7 पर है राजस्थान में पर्यटन उद्योग। नंबर 8 पर है राजस्थान में परिवहन। नंबर 9 पर आता है राजस्थान का औद्योगिक परिदृश्य। तो इनमें हम भाग 11 तक कुल भाग 3 पार्ट का अध्ययन कर चुके हैं। आज चौथे पार्ट राजस्थान की कृषि, ये इस भाग 12 के अंतर्गत अध्ययन करने वाले हैं। राजस्थान की कृषि, राजस्थान की कृषि फसलों को ऋतुओं के अनुसार हम निम्न 3 भागों में बांट सकते हैं। मुख्य रूप से इनमें यदि हम देखें रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसल की यदि हम बात करें तो रबी की फसल को उनालू भी कहा जाता है। रबी की फसल का जो बुआई का समय होता है ये अक्टूबर नवंबर के माह में बोई जाती है और इसके बाद में मार्च अप्रैल के माह में इस फसल को काट लिया जाता है। राजस्थान में रबी फसल के अंतर्गत गेहूं, जो चना, सरसों, मटर, मसूर, अलसी, तारामीरा, धनिया, जीरा, मेथी, ये प्रमुख फसलें बोई जाती हैं। ये प्रमुख राजस्थान की रबी की फसलें हैं। रबी की फसलों में सर्वाधिक बोया गया जो क्षेत्रफल होता है वो गेहूं का होता है। गेहूं सर्वाधिक उत्पादित और बोया गया क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। खरीफ की यदि हम बात करें तो खरीफ की फसल राजस्थान में जून जुलाई माह में बोकर के सितंबर अक्टूबर माह में काट ली जाती है। प्रमुख खरीफ की फसल की यदि हम बात करें तो प्रमुख खरीफ की फसलों के अंतर्गत चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, उड़द, मूंग, मोठ, मूंगफली, अरंडी, सोयाबीन, गन्ना, कपास और ग्वार, ये प्रमुख खरीफ की राजस्थान की फसलें हैं। खरीफ की फसल को श्यालू के नाम से भी जाना जाता है। तो ये राजस्थान की मुख्य फसलें हैं रबी और खरीफ। इनमें जो क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा दृष्टया, उनमें महत्वपूर्ण यही बनता है कि रबी की फसल की बुआई का समय कब है और प्रमुख रबी की फसलें कौन कौन सी हैं। इसी प्रकार खरीफ के अंतर्गत भी पूछा जाता है। राजस्थान में सिंचित क्षेत्रों में तीसरी प्रकार की फसल भी बीच के महीनों में ले ली जाती है जिसे जायद की फसल कहा जाता है। इससे पहले हम देख लेते हैं एक बार खरीफ की फसल के बारे में। खरीफ की फसल राजस्थान के कुल कृषि क्षेत्रफल के 60 से 65% भूभाग पर बोई जाती है। इनमें सर्वाधिक जो क्षेत्रफल होता है वो खाद्यान्न फसलों का होता है। वो कुल बोई गई फसल के 65% भाग पर खाद्यान्न फसलें की जाती हैं। खाद्यान्न की फसलों में भी बाजरे का क्षेत्रफल सर्वाधिक होता है। अब बात कर लेते हैं जायद की फसल के बारे में। जायद की फसल अधिक सिंचित क्षेत्रों में मार्च से जून के माह में अंतराल में ले ली जाती है। इन जायद की फसलों में मुख्य रूप से फल और सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। इनमें तरबूज, खरबूजा, ककड़ी इत्यादि उत्पादित की जाती है। एक वर्ष के अंतर्गत ली जाने वाली तीसरी फसल होती है जो कि अधिक सिंचित क्षेत्रों में ही ली जाती है। अब हम बात कर लेते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में, राजस्थान की कृषि फसलों से पूछे जाने वाले प्रश्नों में जो सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं वो इन्हीं से ही पूछे जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से राजस्थान में कौन कौन सी फसल कितने क्षेत्रफल में बोई जाती है और किस जिले में इनका सर्वाधिक उत्पादन होता है। ये आंकड़े हमारे जो अंतिम आंकड़े हैं ये लेटेस्ट आंकड़े हैं, ये 2016-17 के आधार पर जुटाए गए आंकड़े हैं जो कि वर्तमान में बिल्कुल लेटेस्ट माने गए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाजरे की। बाजरे की जो फसल है वो सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल बोने के दृष्टया यदि हम देखें तो नंबर 1 आता है बाड़मेर और नंबर 2 पर है जोधपुर। अर्थात बाजरा सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोया जाता है बाड़मेर में, इसके बाद जोधपुर में। उत्पादन की यदि हम बात करें
तो बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो जिला है वो अलवर है। इसके बाद में नंबर आता है जयपुर का, अर्थात उत्पादन की दृष्टिया जयपुर नंबर दो पर है। यह मोटे अनाज की श्रेणी में आता है। कम उपजाऊ भूमि और बिना खाद के भी इसका उत्पादन किया जा सकता है, यह बाजरे की विशेषता है। बाजरा लगभग 40 से 50 प्रतिशत उत्पादन इसका देश में देखी तो राजस्थान में ही होता है। राज्य उत्पादन व क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टिया देश में प्रथम स्थान पर है। यह राजस्थान की देश में स्थिति है बाजरे के उत्पादन में भी और क्षेत्रफल में भी। राज्य के सर्वाधिक कृषि क्षेत्र लगभग 1/4 भाग में केवल बाजरा ही बोया जाता है। तो ये बाजरे की का क्षेत्रफल और उत्पादन दृष्टिया जिलों और देश में स्थान है। अब हम बात करते हैं अगली महत्वपूर्ण कृषि फसल और वो है गेहूं। गेहूं की बात करें तो राजस्थान में एक जो गेहूं है वो सर्वाधिक जो बोया जाता है वो गंगानगर में और इसके पश्चात बोया जाता है हनुमानगढ़ में। उत्पादन की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन भी गंगानगर में और नंबर दो पर आता है हनुमानगढ़। तो जो स्थिति क्षेत्रफल बोने के क्षेत्रफल की थी वही उत्पादन की स्थिति सेम आती है गेहूं दृष्टिया। यह रबी की मुख्य फसल है। इसकी मुख्य किस्मों की बात करें इससे काफ़ी प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। तो गेहूं की जो मुख्य किस्म है उनमें सोना 227, कल्याण सोना, सोनालिका, छोटी तथा अगली किस्म आती इसमें शरबती, सोनेरा, हीरा, सेरा, शारण, चंपारण। ये प्रमुख गेहूं की किस्में हैं जो हमें परीक्षा दृष्टा याद रखना बहुत ज़रूरी है। राज्य में गेहूं सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होने वाली फसल है। ये भी परीक्षा दृष्टा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको टिक कर लें। यह सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाली फसल है, अर्थात इसके लिए पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है। देश में गेहूं उत्पादन में राजस्थान का यदि स्थान देखें तो राजस्थान का देश में गेहूं उत्पादन में 5वां स्थान है। अब बात कर लेते हैं चावल की। चावल सर्वाधिक क्षेत्र में बोया जाता है बूंदी में। बूंदी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। इसके बाद नंबर आता है हनुमानगढ़ का। चावल के उत्पादन की बात करें तो उत्पादन भी सर्वाधिक चावल का बूंदी में होता है। इसके बाद हनुमानगढ़ का नंबर आता है। यह खरीफ की मुख्य फसल है। ज्वार की बात करें तो ज्वार अजमेर में सर्वाधिक मात्रा में बोया जाता है और इसका उत्पादन भी अजमेर में ही सर्वाधिक होता है। यह ज्वार भी खरीफ की मुख्य फसल है। जौ की बात करें तो जौ का उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों दृष्टिया ही जयपुर का स्थान प्रथम है। यह रबी की फसल है। इसका उपयोग अधिकतर बियर बनाने में, पशुओं के आहार, भूसी और अन्य औद्योगिक कार्यों में किया जाता है। मक्का की बात करें तो मक्का सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई भी भीलवाड़ा में जाती है और इसका सर्वाधिक उत्पादन भी भीलवाड़ा जिले में ही होता है। मक्का की कुछ किस्में हैं जो याद रखना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी प्रश्न इनसे पूछे जा चुके हैं। मक्का की प्रमुख किस्में हैं माही कंचन, माही धवल और सविता। ये मक्का की मुख्य किस्में हैं। अब बात कर लेते हैं कुल टोटल अनाज के विषय में। कुल अनाज उत्पादन की दृष्टिया बात करें तो कुल अनाज सर्वाधिक मात्रा में खाद्यान्न की बात करें तो वो बाड़मेर में बोया जाता है सर्वाधिक क्षेत्रफल के रूप में, नंबर दो पर जयपुर, नंबर तीन पर जोधपुर। अगर इसके उत्पादन की बात करें तो सर्वाधिक अनाज का उत्पादन अलवर में होता है, नंबर दो पर जयपुर और तीन पर गंगानगर का नाम आता है। देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से अनाज का के रूप में राजस्थान का तीसरा और उत्पादन में राजस्थान का अनाज दृष्टिया 7वां स्थान आता है। अब बात कर लेते हैं चने की। चना सर्वाधिक रूप में बीकानेर में बोया जाता है, लेकिन इसका उत्पादन की बात करें तो उत्पादन भी बीकानेर में ही चने का सर्वाधिक होता है। चने की फसल अधिकतर बारानी क्षेत्र में बोई जाती है। दलहनी फसलों में चना राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल है। मूंग की बात करें तो मूंग सर्वाधिक क्षेत्रफल में नागौर में बोया जाता है। इसके अलावा उत्पादन भी सर्वाधिक
मूंग का नागौर में ही होता है। मूंग का सर्वाधिक क्षेत्र और उत्पादन यदि देश में देखें तो मूंग सर्वाधिक रूप में राजस्थान में बोया जाता है और इसका उत्पादन भी राजस्थान में ही सर्वाधिक रूप से होता है। इस प्रकार से मूंग दृष्ट्या राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। मोठ की बात करें तो मोठ सर्वाधिक रूप से चूरू में बोया जाता है, लेकिन इसका सर्वाधिक उत्पादन बीकानेर में होता है। उड़द सर्वाधिक रूप से उड़द बूंदी में बोई जाती है और इसका उत्पादन भी बूंदी में ही सर्वाधिक होता है। अरहर की बात करें, अरहर बांसवाड़ा में सर्वाधिक बोई जाती है, लेकिन अरहर का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर में होता है। मसूर बूंदी में सर्वाधिक रूप से बोई जाती है और इसका उत्पादन भी बूंदी में ही होता है। चमला की बात करें, चमला एक फसल है, चमला सीकर में सर्वाधिक बोया जाता है और इसका उत्पादन झुंझुनू में सर्वाधिक होता है। चमला झुंझुनू में सर्वाधिक उत्पादित होने वाला है। अब समग्र दलहन की बात कर लेते हैं। समग्र दृष्टिया देखें तो दलहन चूरू में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाती है, इसके बाद नंबर आता है नागौर का और फिर बीकानेर का। सर्वाधिक उत्पादन की बात करें कुल दलहन के, तो कुल दलहन का सर्वाधिक जो उत्पादन है वो नागौर में होता है। ध्यान देना, चूरू में सर्वाधिक दलहन क्षेत्रफल है, जबकि उत्पादन प्रतिशत की बात करें तो वो नागौर नंबर वन, नंबर दो पर बीकानेर और नंबर तीन पर गंगानगर है। देश में कुल दलहन उत्पादन और क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश के बाद में राजस्थान का स्थान दूसरा आता है। ध्यान देना, दलहन उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों दृष्टिया मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान का स्थान है। तो दलहन सर्वाधिक उत्पादन होता है नागौर में और दलहन सर्वाधिक बोई जाती है चूरू में। तो दलहन सर्वाधिक उत्पादन नागौर नंबर दो पर, बीकानेर नंबर तीन पर चूरू। अब बात कर लेते कुल खाद्यान्न की। कुल खाद्यान्न की बात करें तो सर्वाधिक खाद्यान्न नागौर जिला जो नंबर वन आता है क्षेत्रफल दृष्टिया, खाद्यान्न में नंबर दो पर बाड़मेर, तीन पर चूरू। खाद्यान्न के कुल उत्पादन की बात करें तो खाद्यान्न का जो कुल उत्पादन है वो सर्वाधिक अलवर में होता है, नंबर दो पर जयपुर और नंबर तीन पर स्थान है गंगानगर का। खाद्यान्न दृष्टिया देश में कुल खाद्यान्नों के उत्पादन में राजस्थान का नंबर चार स्थान है। ध्यान देना, समग्र रूप से खाद्यान्नों के उत्पादन में राजस्थान का चौथा नंबर आता है। राई व सरसों, राई और सरसों का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है टोंक, लेकिन इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है अलवर में। राई सरसों सर्वाधिक उत्पादित होती है अलवर में। राजस्थान राई व सरसों के उत्पादन व क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टिया से देखें देश में नंबर वन है, अर्थात इसका देश में पहला स्थान है। राज्य में तिलानी फसलों में सर्वाधिक उत्पादित व कृषि फसल की बात करें तो वो सरसों ही है, अर्थात तिलानी फसलों में सर्वाधिक उत्पादित और क्षेत्रफल में आने वाली फसल सरसों ही है। देश के कुल उत्पादन का 47.93% राजस्थान में ही उत्पन्न होता है। ध्यान देना, देश के कुल सरसों के उत्पादन का 47.93% अकेले राजस्थान में उत्पादित होता है। मूंगफली की बात करें तो मूंगफली सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाती है बीकानेर में, लेकिन मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादित जिला बीकानेर है। उत्पादन की दृष्टि से गुजरात के बाद मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है, अर्थात मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान नंबर दो है, नंबर वन गुजरात। तिल की बात करें तो तिल सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोया जाता है पाली में, लेकिन तिल का सर्वाधिक उत्पादन हो भी पाली में ही होता है। अलसी की बात करें तो अलसी सर्वाधिक टोंक में बोई जाती है, लेकिन अलसी का उत्पादन भी टोंक में ही होता है। देश में बात करें तो देश में राजस्थान नंबर वन है अलसी के उत्पादन में, अर्थात राजस्थान सर्वाधिक उत्पादित करने वाला राज्य है। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन सर्वाधिक बोया जाता है बारा में और झालावाड़ में, लेकिन इसका सर्वाधिक उत्पादन भी नंबर वन बारा ही है, नंबर दो पर झालावाड़ आता है। हाड़ौती क्षेत्र सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। राजस्थान में यदि सोयाबीन उत्पादक कोई क्षेत्र है तो वो है हाड़ौती का क्षेत्र। अब कुल तिलहन की बात कर लेते हैं
चमक रूप से तिलहन जो बोया जाता है वो सर्वाधिक रूप से जोधपुर में बोया जाता है, लेकिन नंबर दो पर आता है 12, नंबर तीन पर टोंक। लेकिन उत्पादन की बात करें तो समग्र रूप से तिलहन उत्पादन में नंबर वन पर जो जिला है वो है बीकानेर, इसके बाद नंबर दो पर टोंक और नंबर तीन पर अलवर का नाम आता है। उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है, देश में नंबर वन स्थान है मध्य प्रदेश का। तिलहन की बात करें तो तिलहन में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर आता है। ग्वार की बात करें तो ग्वार सर्वाधिक क्षेत्रफल में बीकानेर में बोया जाता है और उसका उत्पादन भी बीकानेर में ही सर्वाधिक होता है। तंबाकू सर्वाधिक बोई जाती है जालौर में और इस नंबर दो पर अलवर, लेकिन इसका सर्वाधिक उत्पादन भी नंबर वन जालौर और नंबर दो पर अलवर का नाम आता है। गन्ने की बात करें तो गन्ने के उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों में ही नंबर वन है गंगानगर। गंगानगर गन्ने के उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों दृष्टा नंबर वन पर आता है। कपास के उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों में ही नंबर वन पर हनुमानगढ़ का नाम आता है। राजस्थान में कपास का अधिकांश उत्पादन नहरी सिंचाई वाले क्षेत्रों में किया जाता है। तो आज के इस भाग में हमने समाप्त की राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न तिलहन और दलहन फसलों के बारे में। आगे के भाग में हम राजस्थान के प्रमुख बागवानी फसलों के बारे में और प्रमुख कृषि मंडियों के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप प्रतियोगिता परीक्षाओं की नियमित तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे ज्ञानधारा हरसोली चैनल के साथ में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं जिससे हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। नमस्कार।